अपनी ही धुन में अलबेला रागी मंजिल की ओर चला ए, मस्ती में झूमे बदा गीत सुनाए हवा अपनी ही धुन में अलबेला रागी मंजिल की ओर चला लाख लाख शुक्र। अरे नदीम बेटा, हम तो उस दिन का इंतजार ही करता है जब तुम बड़ा आदमी बन जाएगा। निजाम चाचा, आप गैर होकर भी अब्बा जान की जिस तरह देखभाल करते हैं, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। अद्भुत, 20 वर्ष हो गया हम तुम्हारा अब्बा से दोस्ती किया, अभी तुम्हारा निजाम चाचा गैर हो गया। नहीं निजाम चाचा, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब तुम अब्बा बेटा थोड़ा बातचीत करो तो हम तुम्हारा दाल भात का इंतजाम करता है। क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। आई और कुछ सुनाओ बेटा। अब्बा जान, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? जी हाँ। अच्छा कहाँ? चिटागोंग में, मेरा दोस्त अनवर है ना, उसी के होटल में, बस 2-4 दिन में चला जाऊंगा। अच्छा बेटा। अब्बा जान, सोचता हूँ जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा। ऐसा मत सोचो बेटा, मेरी आंखें और मेरा सब कुछ तो तुम ही हो। मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जिनके होते हुए बाद ऐसी सूरतें भी देखना पड़ती हैं जिन्हें देखकर दुनिया की हर शय से एतबार उठ जाता है। नहीं अब्बा जान, मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगा। काश माँ होती तो मुझे देखकर कितनी खुश होती। नदीम बेटा, तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरे सामने माँ का नाम न लिया करो। आखिर क्यों? तुम्हारे जानने के लिए इतना ही काफी है कि इंसान मरकर ही नहीं मरता, 5 लोग जिंदगी में भी मर जाते हैं। बस यही समझ लो कि तुम्हारी माँ भी मर चुकी है।
मौत नहीं तो और क्या है? काश इतना ही पता चल जाए कि तुम लोग कहाँ हो। मैं तुम्हें दूर ही से देखकर अपना कलेजा ठंडा कर लूं। मां तो अभी कितनी बेबस है, अपने जिस बेटे के लिए आंसू बहाती है उसे पास नहीं बुला सकती, और जिसे बेटा कहकर उसकी हर खुशी पूरी करती है वो उसका अपना बेटा नहीं। पहले ये बताइए मैं आपका बेटा हूँ ना? हाँ। और आपको मेरे आने का तार भी मिल गया था ना? हाँ हाँ, लेकिन ये तो क्यों पूछ रहा है? सिर्फ इसलिए कि अगर आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आ सकती थी तो क्या इस घर के तमाम नौकर मर गए थे? अरे पर मैंने तो एक घंटा हवाई जहाज आने से पहले ही मुझे को भेज दिया था। अरे लेकिन मम्मी मुझे तो हवाई जहाज के आने के एक घंटा बाद भी कोई नहीं मिला। चल तू जी मैला ना कर और चल कर हाथ मुंह धो ले और आ लेने दे मुंशी के बच्चे को, मैं उसकी खबर लेती हूँ। कहने को बेबी गो आमार दाई मा दाई मा गो आमार दाई मा दाई मा गो। ना हाल वाला कुवती खानदान का खानदान ही उल्टा है, आने की खबर तो भिजवा देते हैं मगर कभी वक्त पर नहीं आते जी। मुंशी जी बेगम साहिबा, सन 18 में जब मैं अपने बाप को स्टेशन पर लेने गया था तो वो बेचारे मरहूम मालगाड़ी के इंजन में ही हुक्का पीते मिल गए थे, मगर आज तो मैंने हवाई जहाज का चप्पा चप्पा कोना कोना छन्नी की तरह छान मारा, एक एक मुसाफर की जेबें टटोली, मगर छोटे बाबू का कहीं पता नहीं चला। अरे मुंशी जी, छोटे बाबू आप? नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा खा रही, मैं तो आपको वहां लेने गया था, यहाँ कैसे पहुंच गए? आपने कौन सा जहाज देखा था मुंशी जी? ढाका से जाने वाला जहाज और कौन सा? कोई जाने वाले जहाज से भी आता है? माफ करना बेगम साहिबा, दरअसल मैं एक आने जाने चक्कर में ही मारा गया हूँ। सन 18 में मेरे बाप के साथ भी यही वाक्या दरपेश हुआ था, जबकि मेरा बाप मेरी माँ को लेने स्टेशन पहुँचा तो बजाय आने वाली गाड़ी के जाने वाली गाड़ी में उनको पुकारते पुकारते खुद ससुराल पहुँच गए। मुंशी जी, बेगम साहब आप बिल्कुल गधे हैं। इसीलिए तो आपका मुंशी हूँ। सरकार, शमसू मुजारे ने एक तो फसलों की कटाई बताए बगैर शुरू कर दी और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उल्टा मारने मरने पे तैयार हो गया। छोटे आदमी को जब पेट भर के रोटी मिल जाए तो वो अपने मौसनों को इसी तरह आंखें दिखाता है। तुम ड्राइवर से कह दो कि गाड़ी तैयार करे, मैं अभी जमीनों पर जाकर उसको उसकी औकात बताता हूँ। बेहतर सरकार, जल्दी जाओ। शबनम बेटी, शबनम आई दादी। क्या है डैडी? अरे भाई ये क्या हो रहा था? शायदा के साथ डांस की रिहर्सल कर रही थी। रेड क्रॉस के शो के लिए हमने ऐसा बैले तैयार किया है डैडी कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुझे अफसोस है बेटी, ना तो मैं तुम्हारा बैले देख सकूंगा और ना ही तुम्हारे साथ कुमेला जा सकूंगा। जी मुझे जरूरी काम के लिए जमीनों पर जाना पड़ गया है, तुम शायदा के साथ चली जाना। जी अच्छा। हेलो आंटी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? जी हाँ डैडी यही है, मैं देती हूँ। डैडी आंटी का फोन आया है। हेलो, हेलो बाजी, जी जी
हैं? तभी आ गया? कभी आ गया। अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मैं खुद ही नहीं सोच रही थी कि कवि को चंद रोज के लिए आपके पास भेजूं, जमीनों की सैर भी कर लेगा और शबनम से भी मिल लेगा। मैं जमीनों पर जा रहा हूँ। हाँ, शबनम रेड क्रॉस के शो में शरीक होने के लिए कुमेला जा रही हूँ। हाँ, कवि को यहाँ भेजने के बजाय बायर कुमेला भेज दीजिए। जी, शबनम उसे वापसी में यहाँ लेती आएगी। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, शबनम अपनी सहेली के पास ठहरेगी। कवि के लिए मैं सागरिका होटल में एक कमरा बुक करा देता हूँ, वहीं ठहर जाए। हाँ हाँ, तुम्हें प्यार कह रही। अच्छा जी अच्छा, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। शबनम बेटी, ये कवि तुम्हारा मंगेतर है। जी? मंगेतर के नाम पर तुम्हारा चौंकना दुरुस्त है बेटी। तुम जब छोटी सी थी, अतिया बाजी ने तुम्हें तुम्हारी मरुमा माँ की गोद से कवि के लिए मांग लिया। कवि का बेशतर वक्त मुल्क से बाहर गुजरा है, इसलिए तुम उसे देख न सकी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को मजबूत करके बाजी की देरी न ख्वाहिश पूरी कर सके। जी। प्रोग्राम खत्म करने के बाद तुम कवि को लेकर यहाँ चले। अच्छा दादी। अच्छा बेटी। फोन आया था। कैसा फोन? हमारा मंगेतर आ रहा है। मंगेतर? जना, बड़ी बेईमान है तू, चुपके से मंगनी भी कर ली और हमें आज तक बताया नहीं। अरे कैसे बताती, क्यों तो तेरा मंगेतर चुरा लेती? ये बात नहीं, आज ही पता चला है कि इस दुनिया में हमारा एक मंगेतर भी है। आखिर वो है कौन? मंगेतर। मंगेतर तो है, पर उसका कोई नाम निशान भी है? बस इतना जानती हूँ, कभी नाम है, अंटी का लड़का है, कई साल से इंग्लैंड में था, कुमेला पहुंच रहा है, उसे लाना है। और सूरत आज तक नहीं देखी। अच्छा भाई, खुदा महफूज रखे हर वक्त। अभी शो कर रही है। लड़कियां शो कर रही है? जी हाँ। अब बैठो बैठो, मामला कर दी। नौकरी का मामला है प्यारे, सब करना पड़ता है। अच्छा बेटा, हम इस शो में आ सकते हैं या नहीं? अच्छा आ जाना। वेरी गुड, मगर याद रहे कहीं बाद में चचा जान के सामने तेरी सफाई ना पेश करनी पड़े। अरे तौबा करो यार।
बूढ़े से मेरा पाला कड़ा है, कैसे बूढ़े से मेरा पाला कड़ा। सो बहाने करे बात न माने, दिल के लगे ना मेरे जाने, हाय हाय हाय। कैसे बूढ़े से मेरा पाला कड़ा है, कैसे बूढ़े से मेरा पाला कड़ा। जिसको देखते ही इतनी हालत खैर हो गई है, बाहर निकलेगी तो कम से कम दीदारी हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये बात है। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? उससे मिलने। तो यार फिर दो चार बातें मेरी भी करवा दो, तुम्हारी जिंदगी पर एहसान मांगूंगा। माफ करना प्यारे, अभी ये धंधा शुरू नहीं किया। मिस शबनम, मैं ये पूछने आया था कि अब आपका क्या प्रोग्राम है? मिस्टर मैनेजर, हम लोग तो घर जाएंगे और मिस शबनम को सागारी का होटल जाना है। कोई जरूरी काम है क्या? जी, वहाँ रूम नंबर 9 में मेरे मंगेतर मिस्टर कभी आने वाले हैं। फिर गाड़ी बाहर खड़ी है, आपने जहाँ जाना हो ड्राइवर से कह दीजिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अरे शबनम, तेरा मंगेतर है कैसा? अरे अभी देखा कहाँ है, अगर होटल पहुँच चुका है तो कल सारा नक्शा बता दूंगी। सागरी का होटल, रूम नंबर 9। कवि, आप शबनम? कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह। जी आई आई, तशरीफ रखी। लंदन से कब आए हैं? लंदन से? वो तो आता जाता ही रहता हूँ। जी जी नहीं, चंद दिन हुए, आपको तो पता चल गया होगा। माँ जी कैसी है? माँ जी? हाँ हाँ, माँ जी बड़ी अच्छी है, आजकल हज पर गई है। हज पर गई? कब? शायद न गई हूँ, वैसे उनका इरादा था। मुझे फोन पे डैडी से कोई बात नहीं हुई। ऐसी घर पे एक दिन जिक्र हो रहा था। खैर छोड़िए, आइए अपनी बातें करेंगे। ये कौन टपक पड़ा? मैं देखती हूँ। प्लीज जो कोई भी हो उसे टाल दीजिएगा, अभी तो जी भर के बातें भी नहीं हुई। का असली मंगेतर ना हो। ओह मैनेजर सर, आइए आइए।
मैनेजर मिट मिस्टर कवि मेरे मंगेतर। मिस्टर कवि आपके मंगेतर? ओह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। फाइन हो यस मिस्टर। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि कल आपका क्या प्रोग्राम है? कल मैं इन्हें लेकर चिटागांग चली जाऊंगी। जी इन्हें लेकर चिटागांग? हाँ क्यों क्या बात है? जी कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं मेरा मतलब ये है कि आपका शो लोगों ने बहुत पसंद किया है। बेशुमार फरमाइशें आ रही हैं। कल एक आइटम और दे दीजिए ना प्लीज। अच्छा तो आप इंतजाम कर लें, हम एक रोज और रुक जाएंगे। हरगिज नहीं। जी आप मेरी बगैर इजाजत के नहीं नाच सकती। मैं जरूर नाचूंगी। ये आपकी ख्वाहिश है मेरा हुक्म नहीं। आप कौन होते हैं? आपका मंगेतर। ठीक है मगर मैं इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं भी इतनी आजादी देने का कायल नहीं। देखिए झगड़ा ना कीजिए, इन्हें इजाजत दे दीजिए। आप चुप रहिए जी, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जाइए यहाँ से तशरीफ ले जाइए, ये हमारा घरेलू मामला है। ओके ओके। ये क्या बदतमीजी है? मना इसलिए कर रहा था कि तुम्हें आता वाता कुछ नहीं। तुम्हें क्या आता है? मुझे? मैं जिंदगी के हर मसले पर तुमसे बहस कर सकता हूँ। बहस कर सकते हो, नाच तो नहीं सकते। कहो तो ये गलतफहमी भी दूर कर दूँ। अच्छा ये बात है, तो फिर नाच की दिखाओ। नाचो। नाचते क्यों नहीं? चलो छोड़ो, खामखा तुम शर्मा जाओ। अरे जाओ, खाली बातें ना करो, नाच के तुम्हें मैं दिखाऊंगी। अजी रहने दीजिए, ज्यादा शेर। Thank you.
मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम सारे होटल में जूते चलवा दो। मैं कहती हूँ मुझे अकेला छोड़। इस गुस्से की हालत में बिल्कुल नहीं। कौन? ठहरिए मैं देखता हूँ। ओहो मैनेजर साहब, इस वक्त में शबनम का मूड कुछ ठीक नहीं है, आप ऐसा करें थोड़ी देर बाद आ जाए। मैं पूछती हूँ तुम कौन होते हो मेरे बारे में बात करने वाले? बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये नाचीज आपका मंगेतर। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ? तो तुम नहीं जाओगे? आपके साथ जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगी। तो मैं आपको साथ ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। तो फिर मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते जो चले जाने के बाद बहुत याद आते हैं। अगर मैं याद आऊं तो प्यार से तीन बार मेरा नाम ले लेता। मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। सॉरी। अरे कवि साहब आप? कवि जी मैं, माफ कीजिएगा। क्यों पन्नो हो गई अपने मंगेतर से सुना? अरे सुला कहाँ, वो तो झगड़ा करके चला गया। झगड़ा करके? हाँ शायद मुझे कल सुबह ही जाना होगा, वरना वो जाकर डैडी से उल्टी सीधी बातें करेगा। मैं तो कल नहीं जा सकूंगी, तुम चली जाना, मैं दो एक रोज बाद आ जाऊंगी। ठीक है। अरे नदीम बेटा, तुम कल फौजी से किधर गायब था? अनवर के साथ था चाचा, और प्रोग्राम को ज्यादा ही लंबा हो गया था। मगर कैसा था बेटा? कुछ मत पूछिए अब्बा जान, बहुत ही खूबसूरत, बेहद शानदार। काश आपकी आंखें होती तो आप भी उसे देख सकते। किसे देख सकता है बेटा? जी मेरा मतलब है वो प्रोग्राम। हाँ काश मेरी आंखें होती तो मैं ये देख सकता कि तुम्हारी आंखें कहाँ होती हैं और तुम्हारा दिल कहाँ। वो अब्बा जान मैं आपको बताना भूल ही गया था कि मुझे सुबह चिटागोंग जाना है। सुबह? अरे तुम तो बोलता था कि हम दो चार रोज बाद जाएगा। जब जाना ही ठहरा है चाचा तो दो चार रोज पहले क्या और दो चार रोज बाद क्या। तो दो चार रोज बाद चले जाना बेटा। अब्बा जान लेकिन नौकरी का मामला है इसलिए मजबूरी है। अच्छा अगर मजबूरी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, चले जाना, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। अरे मैं बोलता हूँ नदीम, तुम फिक्र क्यों करता है, तुम फौजी में आराम से चला जाओ, हम तो तुम्हारा अब्बा का पास बैठा है। क्या बोलेगा क्या बोलेगा। मिस्टर मैनेजर। हेलो। फरमाइए। मीट मिस्टर कवि। मिस्टर कवि? यस। वो मिस शबनम जो आपके वहाँ डांस करने आई थी, क्या आप मुझे बतला सकते हैं वो कहाँ ठहरी हुई है? आप उनके? मैं उनका मंगेतर हूँ। दरअसल वो मुझे यहाँ लेने आई थी लेकिन एक मजबूरी की वजह से मैं कुछ लेट हो गया। मगर वो तो यहाँ से जा चुकी है। जा चुकी है? हाउ इज इट पॉसिबल? मिस्टर मैनेजर प्लीज टेलीफोन कीजिए, शायद इस गाड़ी में मुझे सीट मिल जाए, मेरा चटागांग पहुंचना बहुत जरूरी है। ओके। Thank you.
तकलीफ है? जनाब मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, आप किसी और डिब्बे में चले जाए। क्यों चले जाए? ये डिब्बा क्या आपके बाप का है? जी नहीं, डिब्बा तो आप ही के बाप का है। बात दरअसल ये है कि इस डिब्बे में एक पागल लड़की सफर कर रही है। पागल लड़की? जी हाँ। कहाँ है वो? वो इस बाथरूम में। शायद आपको मालूम नहीं मैं इंग्लैंड रिटर्न हूँ, वहाँ मेरा बहुत से पागलों से आपका पड़ चुका है। अजी जनाब, अजी साहब, ठंडे मुल्क के पागलों और गर्म मुल्क के पागलों में बड़ा फर्क होता है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। डोंट वरी, हम देख लेंगे। अच्छा, अगर आप कुछ देखना ही चाहते हैं तो इस पागल लड़की की दो चार कमजोरियां ही सुन लीजिए। ये सुनाइए। देखिए, जब वो लड़की बाथरूम से बाहर निकल आए तो उसे खुश करने के लिए आप मुस्कुरा दीजिए। और अगर तीर निशाने पर ना बैठे तो आप सीटी बजा दीजिए। जी हाँ, सीटी। और अगर फिर भी आसार अच्छे ना नजर आए तो कोई मतभरा गीत सुना डाली। ये देसी गीतों से मुझे सख्त नफरत है। अजी साहब, तो कोई अंग्रेजी गाना सुना डालिए, वो तो आपको आता ही होगा। Why not, why not, why not? Now go to your seat. अच्छा, I wish you best of luck. Thank you. Okay. पहले ये तो बता दीजिए, आपको इस पोजीशन में यहाँ छोड़ किसने दिया? मैं कहती हूँ निकलते हो या नहीं। निकलो, निकलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैं कहती हूँ निकलो। कमीने, मेरा ये बात मुझे कितने मैं काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे इसी ट्रेन में जाना है, बात तो सुन लीजिए मेरी। बदमाश सुनिए, पागलों की आला किस्म मालूम होती है। अगर याद आऊं तो प्यार से तीन बार मेरा नाम लेना, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कभी 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 आदम, तुम यहां कैसे आए हो? टिकट लेकर? अरे उस पागल से डरकर ऊपर चला गया। अच्छा किया जो तुमने उसे निकाल कर रास्ता साफ कर दिया। मुझसे बात ना करो। तो और किससे बात करो, मेरा है ही कौन? अगर तुम मेरी पिछली हरकतों से नाराज हो तो मैं वादा करता हूँ फिर कभी नहीं तंग करूँ। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। खैर, अगर नफरत ही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं ये दुनिया ही छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज। दिल को कहाँ चली है, कहाँ चली है बेवफा। हो आजा आजा, हो आँख मिला। तोड़ के दिल को कहाँ चली है, कहाँ चली है बेवफा। क्या है बता मेरी खता, दिल है अगर तुझ पे फिदा। क्या है बता मेरी खता, दिल है अगर तुझ पे फिदा। दिल न जला न सता तू हमारा, हो आजा आजा, हो आँख मिला। तोड़ के दिल को कहाँ चली है, कहाँ चली है बेवफा। हो
भरी तड़पन तू हमसे मिला नजर तेरी जादू भरी तड़पन तू हमसे मिला हमसे मिला जरा तू खुदारा हो आजा आजा हो आँख मिला तोड़ के दिल को कहाँ चली है बेवफा चुप से जरा जुल्फ हटा प्यार न यूं हमसे छुपा रुख से जरा जुल्फ हटा प्यार न यूं हमसे छुपा हाथ ना आएगा फिर ये नजारा हो आजा आजा तोड़ के दिल को कहाँ चली है बेवफा ओ आजा आजा आ जाऊँ या चला जाऊँ पता नहीं लोग भी कितने संदिल हैं प्यार भी करते हैं और बात भी नहीं करते ये जुल्म अगर कोई तुमसे करे तो पता नहीं तुम इतनी लापता क्यों पता नहीं तो फिर जब पता कर लोगी तब आ जाऊं ए कहां चले पता नहीं मेरे साथ घर नहीं चलोगे पता नहीं सीधी तरह मेरे साथ घर चलो पता है डैडी जमीनों पर गए हैं और मैं घर पे अकेली हूँ और तुम घर पर अकेली हो ए जाए जाए क्या सोच रहे हो कुछ नहीं सोच रहा था कि तुम्हारे डैडी कब तक वापस आ जाए तुम्हारी मंगेतर मैं हूँ या डैडी मंगेतर तो तुम ही हो मगर तो फिर मेरी बात करो ना कभी अब मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगी अरे वो देखो वो ट्रेन वाला पागल तो यहां भी आ गया घबराओ नहीं मैं अभी इस पागल को मजा चखाती हूं आप किससे मिला है तुम्हें यू प्लीज कंटिन्यू आप अपने काम में मशगूल रहिए मुझे दरअसल मुनीर चौधरी साहब से मिलना है ओ मेरे डैडी से मिलना है आपके डैडी जी हाँ मेरे डैडी कमीने बदमाश लड़कियों से मिलने का अच्छा बहाना निकाला है तुमने यकीन कीजिए मैं आपके पीछे नहीं आया आपका अपना साइड मैं कहती हूँ निकलो चले वो पागल फिर यहाँ आ जाएगा तुम उससे डरते क्यों हो जूते खाएगा जूते तो फिर मैं चलता हूँ आखिर क्यों वो इसलिए कि जब जूते चलते हैं तो अपने और पराए का बिल्कुल ख्याल नहीं करते अच्छा खुदा हाफिज बुद्धू कहेंगे कुछ मुंह से तो बोलो मैं पूछता हूँ आखिर बात क्या है रोते क्यों रोता इसलिए हूँ अंकल कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है पागल हो चुकी है हाँ क्या भगते हो वो तो तुम्हें लेने गई थी रास्ते में उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की अगर वो कोई बदतमीजी कर दी तो मैं बर्दाश्त कर लेता उसने तो उल्टा मुझी को पागल समझा और जूतों से मेरी मरम्मत की ये कैसे हो सकता है ये हो सकता है अंकल 100% हो सकता है बात सुनिए इस ड्रामे की इंतहा ये है कि उसने एक थर्ड रेट आदमी को अपना मंगेतर समझा और उसे घर ले आइए दैट इज इम्पॉसिबल दैट इज पॉसिबल अंकल मैंने खुद देखा इन दोनों आप चलिए मेरे साथ बस बदतमीज ये आ मेरे साथ चलिए ये अंकल गिरा
जी ओ मंगेतर साहब, ये तुम बार बार खिड़की से बाहर क्या देखते हो? वो तुम्हारी जमीन है। हमारी जमीन? हाँ, यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ जाना है क्या? नहीं, इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारे डैडी वहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँच जाते हैं। डैडी डैडी डैडी, जब से आए हो एक ही नाम लिए जा रहे हो। इसलिए कह रहा था कि अगर तुम्हारे डैडी आ गए तो मेरी खातिर तवाज़ों में लग जाएंगे। फिर मुझे जाने दो। जब तक डैडी ना आ जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो, जिद नहीं किया करते, बात मान लिया करते हैं। बिल्कुल नहीं। चुपके से बैठो यहाँ। मेरी बात तो सुनो। तुम बैठ तो या नहीं, बैठो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बोलो, क्या समझना चाहते हो? वो बात यह है कि मैं समझ गई। क्या समझी? मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ ना? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझसे बात न करो, मैं अच्छी लगती, तुम्हें जाने का नाम क्यों लेते? तुम क्या जानो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। झूठे। नहीं शबनम, दिल तो यही चाहता है कि हम दोनों कभी जुदा ना हो। तो फिर रुक जाओ ना। मजबूरी है। लोग डैडी आ गए। डैडी? उनसे मिलके जहां चाहे चले जाना, मैं नहीं रुकूंगी। अरे भाई रुक क्यों गए, अंदर आओ ना। नो नो अंकल, मुझे यही ठहरने दीजिए। आपने मेरी उनकी पहली मुलाकात का मंजर नहीं देखा, मुझे देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आता है। खून? यस अंकल, प्लीज आप अंदर जाइए। प्लीज अंकल। अजीब हमक उनसे पाला पड़ा। डैडी आप आ गए। शबनम बेटी, तुम किसे लेकर आई? जिसे आपने लेने भेजा था। जिसे मैंने लेने भेजा था वो बेचारा तो रोता हुआ मेरे पास पहुँचा है। आपके पास? हाँ हाँ तभी। अरे बेटे अंदर आओ। ये है संकल। डैडी ये। हाँ हाँ बेटी, यही कवि है तुम्हारा मंगेतर। कवि? हाँ हाँ, अजीब बात है, ये तुम्हें मिला, तुम इसे पागल समझती रही और ये तुम्हें पागल समझता रहा। मतलब डैडी वो ऊपर कमरे में है। है? ऊपर कमरे में? हाँ हाँ। जरा दिन के उजाले में ये अंधेर देखिए अंकल, कवि इनके सामने खड़ा है और ये उसे ऊपर कमरे में बता रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? शबनम जी, मुझे चलकर दिखाओ वो कौन है। यस, चलकर दिखाओ वो कौन है। अजय जी आइए आइए। वेयर आर यू इडियट? कहाँ है वो? जी जी, मैं तो उसको यहीं छोड़ के गई थी। हमारी आवाज सुनकर भाग गया होगा। तुम ठीक कहते हो। शबनम बेटी, ये किस उल्लू को पकड़ लाई थी? जी, उसने तो अपना नाम कभी बताया था। तुम बिल्कुल बुद्धू हो, आजकल जमाना बड़ा खतरनाक है बेटी। ऐसे बदमाश लोग दूसरों का रूप धार कर भोली भाली लड़कियों को अक्सर चकमा दे जाते हैं। डैडी, वो सूरज से तो ऐसा नहीं लगता था। इसलिए तो वो तुम्हें फरेब देने में कामयाब हो गया है। खैर उसे भूल जाओ, अपने असली मंगेतर से मिलो। ये बेचारा तुम्हारी हिमाकतों की वजह से रास्ते भर परेशान रहा है। नहीं अंकल, ये मुलाकात तो मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी जी। कवि बेटे, दरअसल शबनम तुमसे शर्मिंदा है। नहीं अंकल, इन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, इनकी शर्मिंदगी तो अब मेरी अपनी शर्मिंदगी है। आइए मंगेतर साहब, मिल गई आने की? मत पूछ प्यारे, वो तो आने का नाम ही नहीं लेने देती थी। फिर दो चार दिन और रुक गए होते। अपना प्रोग्राम तो दो चार हफ्ते रहने का था, मगर उसका असली मंगेतर उसके बाप समेत नाजिल हो गया। मजबूरन पाइप के रास्ते अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। देखो नदीम, अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना उस मालदार लौंडिया का इश्क तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यार अब महंगा पड़े या सस्ता, अपने पास एक दिल के सिवा देने के लिए रखा ही क्या है। अच्छा आप बातें बंद करो और कल से नौकरी की तरफ तवज्जो दो। वो तो देनी पड़ेगी, मगर यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नौकरी के साथ साथ अपना इश्क भी चलता रहे? फिर वही बकवास। यानी बात है, तुम शेप बनाओ। प्यारी मम्मी,
अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से यहाँ पहुँच गया हूँ। मामू जान से मिलकर जी खुश हो गया। और शबनम तो पीछे जाती है, मुख्तलिफ किस्म के खाने अपने हाथों से पकाती हैं और जोर देकर खिलाती हैं। अगर कहता हूँ कि बस और नहीं तो रूठ जाती हैं। बस घंटों मनाना पड़ता है। लीजिए, वो इधर ही चली आ रही है। अब एक लफ्ज़ नहीं लिखने देंगी और जबरदस्ती उठाकर कहीं घूमने ले जाएंगी। इसलिए खत को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, आपका अपना बेटा कवि। चलो अच्छा हुआ, अब शादी करने में आसानी रहेगी। शादी? किसकी शादी बेगम साहिबा? तुम्हारी शादी मुंशी जी। मेरी शादी? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बेगम साहिबा? आजकल के जमाने में क्या शादी, क्या खानाबादी, क्या पिद्दी का शोरबा। शादी तो सन 18 में मैंने अपने बाप की देखी थी। तोबा, सारा लखनऊ मोटरों, साइकिलों, टांगों, रेड़ों समेत छतों पर चढ़ाया था देखने के। मुंशी जी, मैं पूछती हूँ, आपके बाप के अलावा भी कभी इस दुनिया में किसी ने कुछ किया है? बात दरअसल यह है बेगम साहिबा कि मेरे बाप ने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा नाम जरूर रोशन करना। बहुत हो चुका नाम रोशन, अब उस बेचारे को कब्र में आराम करने दीजिए। आराम दुनिया में मुर्दों को आराम। Yes, please. 28. 20. क्यों भाई नदीम, वो दावतनामे भेज दिए? हाँ सर, तो चले गए, मगर वो तुम्हारे चीफ गेस्ट का कार्ड रह गया। ना, वो मुझे दे दो। ये रहा। कवि बेटे, आज शाम गुलिस्तान होटल की पार्टी में मैं चीफ गेस्ट हूँ। मैंने उन्हें फोन कर दिया, मेरी तबीयत खराब, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जगह तुम चले जाना। अंकल, अपनी जिंदगी में मुझे चीफ गेस्ट बनने का चांस देने का शुक्रिया, मगर मगर क्या? कुछ नहीं अंकल, मैं अकेला ही जाऊं। नहीं, शबनम से जाकर कह दो वो भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। सो काइंड ऑफ यू अंकल। क्या है पता, मेरी खता है, दिल है अगर तुझ पे फिदा, दिल न चला न सता, तू हमारा हो, आजा आजा हो, आंख मिला तोड़ के दिल को, कहां चली है बेवफा, यादावरी का शुक्रिया। तुम, मैंने तुम्हें याद नहीं किया? तो आप उस नकली कवि को अब तक याद करती हैं? तुम पूछने वाले कौन? देखिए मिस शबनम, हमारा और आपका कुछ रिश्ता ही ऐसा है कि हम एक दूसरे से जो कुछ चाहे पूछ सकते हैं। दूरहट की बात कर। शबनम जी, वो सूरज जिसे कल आपने जिंदगी का साथी बनाना है, उसे आज ही दिल में बसाइए, मोहब्बत के रास्तों को कुछ आसान बनाइए। मिस्टर कवि, देखिए मिस शबनम, शादी से पहले लड़के लड़की का मिलना, दिलचस्प खेल खेलना और पार्टियों में जाना, दरअसल हनीमून की इब्तदाई रिहर्सल होती है। मुझे बोर ना करो। मैं आपको बोर करने नहीं आया, अंकल के कहने पे आया। आज शाम आपको मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। चलोगी ना? मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो क्या अपना चीफ गेस्ट बनने का पहला ही चांस मारा गया? तुम्हें किसने रोका है, चले जाओ ना। आपको नहीं मालूम मिस शबनम कि मुझे आपके बाजू में बाजू डालकर किसी पार्टी में जाने का कितना शौक है। कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। शबनम, तुम नहीं जानती कि इस घर पर तुम्हारी आंटी के कितने एहसान आते, तुम्हारे बाप की दौलत, इज्जत और शोहरत सब कुछ उन्हीं के बदौलत है। तभी से तुम्हारा रिश्ता भी उन्होंने तय किया था, इसलिए तुम्हें इसके साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं करना चाहिए। तभी बेटे, तुम इसकी बातों का बुरा ना मानो, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। Thank you.
गया वो। अरे नदीम खसम हो गया। क्या हो गया क्या, मेरी मोहब्बत का फोन खुल गया? अरे नहीं यार, वो जो गाने आ रहा था उसने प्लेन मिस कर दिया। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम ये कर सकते हो कि उसकी जगह गा सकते हो। वाह बखुरदार, ये तुमने मुझे बाजारी और दरबारी गवैया सबसे समझ लिया। देखो यार, ये मेरी ही नहीं सारे होटल की इज्जत है। बेटा अपनी इज्जत मुझे भी बड़ी प्यारी। मस्करेपन की बातें छोड़ो, प्लीज मान जाओ। अच्छा तो चलो मान लेते हैं, एक दोस्त फिर ज्यादा से ज्यादा जलील हो जाएंगे और क्या होगा। चलो है कि सारे जहां से हसी हो, ये सच है कि सारे जहां से हसी हो, मगर बंदा परवर खुदा तो नहीं हो। नाजुक हो तुम महजबी हो, मगर बंदा पर ये माना कि तुम दिल रुबा नाजनी हो, मगर बंदा पर खुदा तो नहीं हो। खूबसूरत बहुत दिल नशी हो, मगर बंदा पर बल खुदा तो नहीं हो। ये माना कि तुम दिल रुबा नाजनी हो, मगर बंदा पर बल खुदा तो नहीं हो। ये सच है कि सारे जहां से हसी हो, नहीं। अबे अपने मुंह से कभी तो अच्छी बात निकाला था। तू कोई अच्छा काम करे तो मेरे मुंह से भी अच्छी बात निकले। ठीक है बेटा, इस वक्त जो जी चाहे कह लो, मगर इतना जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें सेरे वेरे की तकलीफ भी खुद ही करनी पड़ेगी।
कौन है आप? मैं मिस शबनम का बदनसीब मंगेतर। बदनसीब मंगेतर? आप कौन है? मैं उनकी सहेली। सहेली है? फिर तो आप यकीनन मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? देखिए ना, मैं जब भी उनसे मोहब्बत का जिक्र छेड़ता हूँ वो मुझे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं। जरा इधर देखिए। माशाल्लाह, आप तो खासे खूबसूरत हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। मेरा भी खुद यही ख्याल है। प्लीज आप जरा जाकर उन्हें समझाइए कि वो मुझे जिंदगी से निकालकर जिंदगी भर पछताएंगे। प्लीज जाइए। अच्छा प्लीज। शायद ये बाहर मेरे मंगेतर साहब से क्या बातें हो रही थी ये बाद में पूछना। पहले ये बता कि तेरे मंगेतरों की सही तादाद क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि हर मोड़ पर तेरे एक नए मंगेतर से मुलाकात होती। अरे यही जंगली तो मेरा असली मंगेतर है। और वो मैं क्या जानू। समझ तो ये तेरे डैडी का मंगेतर है और वो तेरे दिल का। लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी इसके पेज कुछ ढीले ही मालूम होते हैं। तो फिर इससे मेरा पीछा छोड़ा देना। अरे वाह, तू मेरी अच्छी सहेली है। कुछ कर ना। मैं क्या करूं? अगर तू भी कुछ नहीं कर सकती तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा तो ये बात है। तो फिर सुन, बता, तेरी ये मुश्किल कोई रूहानी आमिल या पीर फकीर ही हल कर सकता है। अपने दर्द दिल की दवा तुझे उन्हीं लोगों से मिलेगी। बीमारी के लिए, बेकारी के लिए, परेशानी के लिए, बेसरो सामानी के लिए, ब्याह शादी के लिए, इश्क में बर्बादी के लिए, हर उलझन हर मुसीबत के लिए प्रोफेसर नामी को खत लेकर मुलाकात का वक्त ले। पोस्ट बॉक्स नंबर 421 चटागांव। ला हौल वला कुव्वत। इन धोखेबाजों ने भोले भाले लोगों को फांसने के लिए कैसे कैसे जाल बिछा रखे। यार तुम्हारा दिल कभी किसी के लिए धड़का हो तो जानो क्या ऐसी बुजुर्ग हस्तियों की कदर कीमत क्या होती है। ये तुम्हारे जैसा नफीस दिमाग ही सोच सकता है कि मक्कारी, फ्रॉड और झूठ की भी कोई कदर कीमत होती है। लेकिन पार्टनर, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो झूठ जो किसी की जिंदगी बचा ले उस सच्चाई से बेहतर है जो किसी की जान ले। अच्छा बंद करो ये फलसफे की किताब। तो फिर ये देखो, उम्मीदवारों के खत भी आने शुरू हो गए। ये खत? यानी कि प्रोफेसर नामी? जी हाँ, खादिम आपके सामने मौजूद है। अबे ये चक्कर तूने चलाया है? जी हाँ मोहतरम, और आप इस खाकसार के पार्टनर हैं। अबे पार्टनरशिप के बच्चे, बता इनमें लिखा क्या है। वैसे ये सब खत तो फजूल है, मगर यार ये दो खत बड़े अजीब और गरीब है। लिखने वाले किसी सख्त मुसीबत का शिकार है और खुलकर सामने भी नहीं आना चाहते। लिखते हैं, रॉयल पार्क में मिले, पहचान के लिए हाथ में गोभी का फूल और जबान पर तेरी नजरें हैं तलवार होना चाहिए। और ये है दूसरा खत। लिखा है, रॉयल पार्क यानी उसी जगह मिले, हाथ में रुमाल और जबान पर दिल दिया दर्द दिया की निशानी काफी है। अमा हटाओ यार, तुम्हें उल्लू बनाने के लिए इससे बढ़कर कोई मजाक नहीं हो सकता। यार इंसान बन के कौन सी फाख्ता उड़ा ली जो उल्लू बन के शर्मिंदा होंगे। खैर तुम कुछ भी कहो, हम इन मोहब्बत के मारों से मुलाकात जरूर करेंगे। तेरी नजरें हैं तलवार। अबे मेरी नजरें तलवार हैं? तेरी नजरें हैं तलवार, दिल दिया दर्द दिया। बुढ़े खुसट, तुम्हें अपनी माँ बहनों को छेड़ते शर्म नहीं है? गोभी का फूल, प्रोफेसर नामी। तेरी नजरें हैं तलवार। कैसे हो बरखुरदार कभी? बरखुरदार कभी? तुम तो वाकई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग प्रोफेसर, प्लीज मेरी मदद करो। हमें अफसोस है बच्चा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो क्यों प्रोफेसर? वो इसलिए कि अजीजा शबनम, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, किसी और को अपने दिल में बसा चुकी है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ प्रोफेसर, कि अजीजा शबनम के दिल से उस कमबख्त नामाकुल का ख्याल फौरन निकाल दीजिए। हाँ उसको साफ है। क्या हुआ? एक प्यार करने वाले को तुमने नामाकुल कहकर हमारे दिल को सख्त तकलीफ पहुँचाई है। कुछ मेरी तकलीफ का भी एहसास करो, मेरी जवानी पे रहम खाओ प्लीज। जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है तुम्हें उसी का वास्ता प्रोफेसर, मेरा काम कर दो।
हमें तुम्हारा बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ओ सच पर वेदर तुम्हें जाऊं। लेकिन हमारा नजराना। नजराना वो कितना? सिर्फ 2000 रुपये। 2000 रुपये? इसे नीचे नहीं आ सकते आप? नादान प्रेमी, प्यार में इंसान ऊपर जाया करता है, नीचे नहीं आया करता। अच्छा तो फिर मैं मम्मी को टेलीग्राम देकर 2000 रुपये मंगवा लेता हूँ। जरूर मंगवा लो। अब जाओ। जा सकते हाथ लाइए। माशाल्लाह। दिल दिया दर्द दिया। प्रोफेसर नामी। कहो अजीजा शबनम, ये खाकसार तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता है? प्रोफेसर नामी, आपको मेरा नाम किसने बताया? तुमने। मैंने? हाँ अजीजा, मैं दूर रहकर भी प्यार करने वालों के दिल में रहता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि कवि नामी खरगोश तुमसे शादी करना चाहता है और तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि मैं वो शादी रोक दूँ। हाँ प्रोफेसर, खुदा के लिए शादी रोक दो। शादी के रुक जाने में प्रोफेसर का अपना ही फायदा है। तुम्हारा फायदा? हम दोनों का फायदा। तो कुछ करो ना। मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मौके की तलाश है। तुम्हें मौका चाहिए? परसों मेरी सालगिरह है। परसों तुम्हारी सालगिरह है तो सारा काम ही बन गया। और सुनो अजीजा, प्रोफेसर नामी तुम्हारी सालगिरह में अपनी बेटी रुखसाना के साथ मौलाना शेरवानी के रूप में आएगा और तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा। प्रोफेसर, इस काम का नजराना? शादी तो रुक जाने दो अजीजा, नजराना वसूल करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी हुई है। अच्छा, अब मैं जाऊं? जीती रहो। चलिए बिल्ला, सारा काम ही बन गया। रहा है बेगम साहबा तार, मुझे चढ़ गया बुखार। तो इसे खोल कर पढ़िए। रो क्यों रहे? कैसे पढ़ूं बेगम साहबा, किस दिल से पढ़ूं? तार कभी खैरियत की नहीं आती। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं बेगम साहब, खुदा के लिए तार न पढ़िए, क्योंकि सन 18 में इसी तरह बाप को मेरी माँ का तार आया था, जिस पर मरने वाली ने अंग्रेजी में लिखा था, मेरे सरताज खुदा हाफिज, मेरी रूह को खुश रखने के लिए मेरा मकबरा किसी चौराहे में बनवाना और हर जुमेरात को फूल चढ़वाना, कवालियां करवाना, ताकि लोग मुझे अल्लाह वाली समझें। ओहो, मैं कैसी हूँ? बंद कीजिए ये बकवास और कवि को 2000 रुपए भिजवाने का इंतजाम करें। जी जी हाँ, वो शबनम को सालगिरह का तोहफा देने का। बहुत बेहतर बेटी। मालूम होता है कवि और शबनम आपस में खासे मानूस हो चुके हैं। क्या कहा आपने? मुंशी जी। जी आपको सुन 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 शबनम बेटी, किसे देख रही हो? डैडी, डैडी वो मेरी एक सहेली आने वाली थी। कोई बात नहीं, अगर उसने वादा किया तो वो जरूर आएगी। क्या मुसीबत है? मैं नहीं जाता, मैं उतारने लगूं ये बुरका। क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ते हो? कोई देखेगा तो गजब हो जाएगा। मेरे भाई प्लीज। अब आई हो? जरा देर हो गई। सब आ गए क्या? हाँ अंदर चलो। और तुम? मुझे एक सहेली का इंतजार है। अरे ऐसी कौन सी सहेली है जिसे मैं नहीं जानती? है एक, आ जाएगी, मिला दूंगी। अच्छा आ गए मालिक। अजीजा तुमसे वादा हुआ हम ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए।
ये मेरे डैडी हैं। डैडी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, जन्नत मकाम हो तो खराम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। डैडी, ये मेरी सहेली रुखसाना है। जीती रहो, जीती रहो। और ये उनके वालिद मौलाना शेरवानी। गलत, बिल्कुल गलत जी। इस खादिम खाकसार फकीर तकसीर को मौलाना रमजान अली खान शेरवानी बुलबुल हजार दास्तान मौलाना मुहर्रम अली खान माशाल्लाह। जिससे ये छोटे नाम रखने का रिवाज निकला, इंसान को छोटा गया है। क्यों कबला बिल्कुल दुरुस्त, एक लाख रुपए की बात कही है। खैर शबनम बेटी, तो अपनी सहेली मौलाना साहब को बिठाओ, मैं जरा एक दोस्त को फोन करके आता हूँ। आइए मौलाना। अजीजा, हमारी बेटी को जरा हिम्मत से बिठाना, हम जरा इन बकरदार से बात कर। अच्छा। जी कनाई, बताते हैं फरमाइए मौलाना। नाम प्रोफेसर, तुम्हारा ही काम करने आया है। इस सिलसिले में खत अपने महबूबा के नाम लिखो, तुम्हें याद रहा हूं, रात मुझे छत पर मिलो वरना खुदकुशी कर लूंगा। नीचे तुम्हारा जी खैर रहे, किसी को मालूम ना हो, खत तकलीब खत्म होने से पहले हमारे हाथ में पहुंच जाना चाहिए। जी बहुत बेहतर। सुनो बरखुदा, वो हमारा नजराना। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया। लेकिन हमारा हादसा बहुत तेज है। ये लीजिए। रुखसाना बहन, बुरका उतर कर बैठिए ना। अरे अपना सिर पर्दा किया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये पर्दे की सख्त पाबंद है जी। आप नहीं जानती, हमारी माँ की माँ, हमारी दादी की माँ मरते दम तक औरतों से भी पर्दा किया कर। मगर मौलाना। ठीक है दीदा, मगर कुछ चीजें पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है। अरे भाई, देर किस बात की है? कोई देर नहीं है डैडी। तो फिर आइए, सालगिरह की रस्म अदा करें। आओ मौलाना साहब, आइए। ऐसे मौके पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। माशाल्लाह मौलाना, आपको तो शायरी से भी लगाव है। बस यूं ही क़िबला, मौका महल देखकर कुछ उल्टा सीधा कह लेता हूँ। तो फिर हमें भी अपना कलाम सुनाइए ना। हमें तो कोई एतराज नहीं है अजीजा, मगर मिट्टी का ये पुराना दिया इन नई रोशनी के फानूसों का क्या मुकाबला करेगा? नहीं मौलाना, आपको कुछ सुनाना ही पड़ेगा। हाँ मौलाना, इन लड़कियों की फरमाइश पे आपको कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ेगा। जरूर सुनाना भाई। इस चाचा चाट ट्विस्ट और रॉक एंड रोल के जमाने में हमारी अगले वक्तों की शायरी भला आप लोगों को क्या मजा देगी? मौलाना आप फिक्र मत करें, आप अपना रंग जमाएं, हम अपना रंग जमाएं। तुम मेरी आरज़ू तुम हो, मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो, मेरी निगाह तमन्ना की जुस्तजू तुम हो, मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो, मेरी निगाह तमन्ना की जुस्तजू तुम हो, मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो।
लगन हसीन ख्वाब है या मेरे रूबरू तुम हो हसीन ख्वाब है या मेरे रूबरू तुम हो मेरी निगाह तमन्ना की जुस्तजू तुम हो मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो जिसकी बहू बहू तुम हो मुझे तलाश थी जिसकी बहू बहू तुम हो मेरी निगाह तमन्ना की जुस्तजू तुम हो मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरजू तुम हो गुस्ताखी कर दी साहब हमें तो तुम्हें मार लेते मगर इस बेजुबान की इज्जत पर हमला करने की क्या जरूरत थी अरे भाई आखिर हुआ क्या हमें भी तो मालूम हो अजी क्या नहीं हुआ ये देखिए बरपुरदार कवि का खत हमारी नूर चश्मी के नाम कवि का खत मेरे सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी तुम्हारे इश्क की आग में जल रहा आज रात मुझे छत पर मिलो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा कवि इसकी ये जरूरत मैं अभी जाकर उसकी हड्डी पसली कर देता हूँ भाई महफिल में हड्डी पसली एक न कीजिए अगर आप बरपुरदार के कान खींच नहीं चाहते हैं तो सुनिए तौबा तौबा इंसान भाड़ झोंक ले मगर किसी इश्क के मारे का दोस्त ना बने प्यारे दोस्ती में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अबे दोस्ती के बच्चे अगर भरी महफिल में वो लड़कियां मेरा बुरका उतार देती तो लेकिन मानते हो बरपुरदार हमने तुम्हारी पर्दा नशीनी का भरम कैसे कायम रखा मैं कहता हूँ अपनी हरकतों से बाज आ जाओ यार मायूस ना कर कहते हैं हरकत में बरकत होती हो सकता है एक ना एक दिन अपनी तकदीर का फाटक भी खुली जाए कितने नादान हो यहाँ आकर ये भी भूल गए कि तुमने अपने अब्बा से कोई वादा किया था उनकी बेनूर आंखें वहां रोशनी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ एक लड़की की सूरत देखकर अच्छाई और बुराई की पहचान खो चुके हो मुझे गलत ना समझो अंदर मैं उसे अपने दिल में बसाकर भी अपने फर्ज को भूल नहीं सकता अबे देखना मेरे यार मैं जरा अपनी दोशीज़गी की छुपा लूं अब्बा जान नदीम बेटा सलाम कहता हाँ बिल्कुल खैरियत है यारी तुम तो अक्सर से हो ना जी आप बहुत अच्छा आई आई चलो 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 अरे देखना आसपास भाई सीढ़ी है सीढ़ी हाँ अच्छे से आई निजाम चाचा ये अचानक कैसे आना हुआ क्या बोलेगा अरे भाई कोई घबराने का बात नहीं है तुम्हारा अब्बा बोला जरा हम अपने बेटे का पास चल कर रहेगा बस आ गया अब्बा जान यहाँ रहकर भी हर वक्त ख्याल आप ही की तरफ रहता था तुम्हारी बात और है बेटा लेकिन मैं बाप हूँ बाप की आंखें चाहे बेनूर ही क्यों ना हो वो यही चाहता है कि उसका नूरे नजर उसकी आंखों के सामने ही रहे आदाब चाचा जान वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अच्छा किया चाचा जान जो आप चले आए वरना ये तो बेटा हाँ वरना ये तो जी वो कुछ नहीं बेटा बाप के अंधेपन का इतना फायदा तो ना उठाओ
ये समझता हूँ कि तुम अनवर को खामोश रहने का इशारा करके बात गोल कर गए हो। बात कोई नहीं अब्बाजान, आपको तो यूं ही वहम हो जाता है। क्या बोलेगा क्या बोलेगा। मेरे सपनों की रानी, तुम मुझसे मिलने छत पर तो चली आई हो, लेकिन खुदा ना खास्ता तो मुझे नहीं ठुकराओगी। देखो मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, तुम भी थोड़ी सी मजबूर हो जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ, मुझे गले से लगाओ। छोटे बाबू बंदो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये तुम्हें मैं बताता हूँ। अंकल जी, अंकल, अंकल के बच्चे मैंने शबनम का रिश्ता इसलिए तुम्हारे साथ पक्का किया था कि तुम अपने घर की इज्जत को भूलकर दूसरों को बेटियों को मोहब्बत भरे खत लिखकर बदनाम करने लगो। मैं आपका मतलब नहीं समझा अंकल। ये देखो अपनी बेहयाई का सबूत, कह दो कि तुमने मौलाना की लड़की को खत नहीं लिखा। लेकिन ये खत तो मैंने मिस शबनम को लिखा था अंकल। शबनम को लिखा? क्यों लिखा था? कैसे लिए लिखा था? सिर्फ ये जानने के लिए कि वो वाकई मुझे अहमियत देती है या नहीं। तो ये मौलाना के हाथ में खत कैसे पहुंचा? बस अंकल, दरअसल शिद्दत जज्बात में मुझसे भूल हो गई। तुम इंग्लैंड जाकर भी गधे के गधे रहे। तुम्हारी हिमाकत की वजह से मुझे मौलाना के नजरों में जलील होना पड़ा। एक्सक्यूज मी, ये बोर्ड ठीक कर ली। बदतमीज नारे! नहीं मैं तुम बेटे में ढाके नहीं जाऊंगा। मगर अब्बाजान आप ढाका क्यों नहीं जाना चाहते? यहाँ चटागांव में भी तो डॉक्टर मौजूद हैं। आंखों का मामला है अब्बाजान, इलाज के लिए किसी माहिर डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। रोशनी नसीब में लिखी है कि यहाँ भी मिल जाएगी, और अगर किस्मत में अंधेरा ही लिखा है तो ढाका जाने से भी दूर नहीं होगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वहां से आप आंखें लेकर लौटेंगे। मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसारी के नाम ये खत लाया हूँ, वो आपका पूरी मेहनत से इलाज करेंगे। नथिन बेटा, अगर कोई मजबूरी है भी तो उसे बेटे की ख्वाहिश समझ कर चले जाइए बजा। अरे आसमान दादा, अरे मान जाओ ना, इतना अच्छा बेटा का बात नहीं मानते क्या? चाहता था मैं खुद भी आपके साथ चलूं, पर नई नई नौकरी है, छुट्टी नहीं मिल सकी। अदूत, अरे जब तक तुम्हारा निजाम चाचा जिंदा है तुमको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब्बा जान, ये पैसे आप अपने पास रखिए, अगर वहाँ जाकर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे लिख दीजिएगा। अच्छा बेटा, फिर आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं काम पर जाता हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये अस्पक भाई, खुदा का शुक्र करो, कितना अच्छा बेटा तुमको मिल गया है। क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। केमने हो बेबी ये गो, हमारा दाइमा दाइमा गो, हमारा दाइमा दाइमा गो। अरे मुंशी जी, आप कब आए? अजी खुदा खुदा करके आए तो आप हैं। मैं बेचारा तो इंतजार करते करते आधा वापस ही जा चुका था। वही हम जरा बाहर गए थे, तुम बैठो मुंशी। अच्छा जी, आप भी तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। सुनाओ मुंशी, बाजी कैसी हैं? बाजी? हाँ जी बाजी। ना जी, अजी बाजी अच्छी होती तो क्या हमें काले कुत्ते ने काटा था जो हम यहाँ चल कर आते? क्यों, क्या हुआ मुंशी जी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हाल बत्ता बेगम साहिबा को ठंडे पसीने आ रहे हैं, पंखा चल रहा है, पानी की खूबसूरत सुराई पास पड़ी है। क्या बाजी की तबीयत बहुत खराब है? खराब तो नहीं कह सकते। हाँ, जब बुढ़ापे में जवान औलाद घर से निकल आए तो ये हालत अक्सर हो जाया करती है, जैसे कि सन 18 में मेरे बाप की हुई थी, जबकि मैं एक मेम को लेकर लंदन फरार हो गया था। छोटे साहब, मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा अंकल, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए। माफ कीजिए छोटे सरकार, आप अपनी बात ना कीजिए, बेगम साहिबा ने शबनम बीबी को भी साथ लाने को कहा है। उनका कहना है कि मैं आंखें बंद होने से पहले आप दोनों की शादी का फैसला भी कर डालूं। वो तो पिकनिक पर गई है। हैं? पिकनिक? मुंशी जी कहाँ चले? कहीं नहीं जनाब। दरअसल ये जो पिकनिक है ना, पिकनिक, इस पिकनिक से हमारा खानदानी रिश्ता है जी।
सन 18 में जब मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप मेरी माँ के साथ पिकनिक मना रहा था, और जब मेरा लड़का पैदा हुआ तो मैं उसकी माँ के साथ पिकनिक मना रहा था। खो खो। लीजिए शबनम भी आ गई। क्या लंबी चौड़ी उम्र पाई है। अच्छा वह तुम आ गई बेटी। मुंशी जी तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें आंटी ने बुलाया जी। तुम कवि के साथ चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इनके साथ? हाँ हाँ, तो क्या हुआ, अब तो हम कहीं भी एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। मगर जय जी मैं। शर्माइए नहीं छोटी बीबी, आप इस जमाने में शर्मा रही हैं जबकि लोगों ने चांद पर प्लाट खरीद लिए हैं। सन 18 में शर्माई तो मेरी माँ थी। वो कैसे मुंशी जी? छोटे बाबू, जब मेरे बाप के साथ उनकी मंगनी हुई तो पूरे घर में ओहराम मच गया, अफरा तफरी फैल गई। दरियागंज, पहाड़गंज, समुंदरगंज, हबीबगंज, बिलालगंज, गर्दे के तमाम गंजों के जिन भूत उतारने वाले मेरे बाप के ससुराल पहुंच गए। पूरे 21 दिन की झाड़ फूंक के बाद कहीं मेरी माँ के मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैं तो मारे शर्म के चुप थी। दादी मैं नहीं जाऊंगी। शबनम। हाँ दादी। तो मैं बाजी को यह सोचने पर मजबूर कर दूं कि तुम उनकी जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? मत भूलो, मैं बाजी के हुक्म को नहीं डाल सकता, तुम्हें कवि के साथ जाना पड़ेगा। जाओ, ऊपर जाकर तैयारी करो। चलो कवि बेटे। जी अंकल। तुम भी तैयारी करो। जी बेहतर। अच्छा जी, चलो जी। जी जी आप करूं बुक है। जो वेलकम सर। बोलो। लो मियां, ये सुनकर खुश हो जाओ कि होटल के डायरेक्टर्स ने तुम्हें तरक्की देकर ढाका भेजने का फैसला किया और कल तुम यहाँ से जा रहे हो। यार घास तो नहीं खा रहे, अपना सब कुछ तो इस शहर में है और तुम मुझे ये शहर छोड़ने के लिए कह रहे हो। अम्मा अहमत ना बनो यार, तरक्की के चांसेस बार बार नहीं मिला करते। प्यारे इस दुनिया में मोहब्बत भी बार बार कहाँ मिला करती है। Yes. न्याजमंद फर्क करता है। कौन हो तुम? आपकी आवाज आंखों से नमकीन क्यों हो रही है? मैं पूछती हूँ। देखिए सवाल पहले मैंने किया है। इडियट। सुनिए फोन बंद मत कीजिएगा। चल गया है? उल्टा चल गया है। वो मंगीतर मेरा पीछे छोड़ने के बजाय मुझे अपने साथ ढाके ले जा रहा है। क्या कहा? ढाका साथ ले जा रहा है? वहाँ जाते ही आंटी हमारी शादी कर देंगी और डैडी भी यही चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी कोई नहीं सुनता प्रोफेसर, खुदा के लिए मेरी मदद करो। आप बिल्कुल फिक्र न करें, अब वो खरगोश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रोफेसर हर मुश्किल में साये की तरह आपके साथ होगा। सच प्रोफेसर? अरे मेरे पास झूठ बोलने की फुर्सत ही कहाँ है। अनस आगे बोलो। यार मैं ढाका जाने के लिए तैयार। समझा, तो वो लौंडिया भी जा रही है। तुम तो दिल की बात भी समझने लगे। दिल की बात समझो या ना समझो, तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तो मेरे यार अभी ये कागजात मेरे पास ही थे। वाह उस्ताद, आज काम आया। अगर तुमने ये कागजात भेज दिए होते तो अपनी मोहब्बत का जुलूस ही निकल गया था। तो फिर मानते हो ना उस्ताद? अरे तुम्हें कौन नहीं मानता प्यारे। ये क्या हो गया छोटी बीबी? बड़ी बात कर रहा हूं। सन 18 में बिल्कुल इसी तरह बंदर बन के जंगलात में मेरे बाप की गाड़ी खराब हो गई। मेरी माँ को गुस्सा आया, उसने व्हील उतार कर मेरे बाप के सर पे मारा। वो जमीन पे गिरा, उसका सर फटा, खून बहा और साथ ही उसने ये गाना शुरू कर दिया। क्या? कैमने हो बेबी ये गो अमर दाई मा गो। मुंशी जी, और उसके बाद आपकी माँ ने आपके बाप से कहा होगा, जाओ जाकर पानी ले आओ। हाँ ये भी कहा था। कैमने हो बेबी ये गो अमर दाई मा। कुछ बात बनी? नहीं कुछ बात नहीं बनी, धक्का लगाना पड़ेगा। हुई हुई। मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ? यू, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपकी मर्जी। वैसे ये सारा जंगल आदमखोर शेरों से भरा पड़ा है। क्या कहा, आदमखोर शेरों से? जी हाँ,
अगर इन्हें आदमखोर शेर उठी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो आपकी हालत पर रहम आ रहा है। खुदा हाफिज। ऐ सुनो, तुम हमारी कार अपनी जीप के पीछे बांध कर ले चलोगे? ले तो चल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। प्लीज जल्दी से बताओ वो शर्त क्या है। वो शर्त यह है कि आप अपनी कार में और ये मोहतरमा मेरी गाड़ी में बैठे। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय। ठहरो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मंजूर है तो फिर तशरीफ ले आइए। आइए। मैं क्या करूं? को हार करो कुछ बात के दिल को चैन नहीं आता, मचल उठे नहीं जज्बा के दिल को चैन नहीं आता, न झट को हार करो कुछ बात के दिल को चैन नहीं आता, मचल उठे नहीं जज्बा के दिल को चैन नहीं आता, न झट को Thank you.
मिस्टर, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जी जा अपने रास्ता नापो। आप तो बड़ी एहसान फरामोश निकली। अजी एक पहली चाय ना सही, कम से कम दो बोल शुक्रिया के ही कहती जाइए। शबनम बेटी, ये कौन है? वो कवि और मुंशी जी कहाँ है? जी जी आंटी, वो लोग पीछे आ रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, ये मुझे लिफ्ट कर लाए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, एक कप चाय तो पीते जाओ। जी आपने मुझे बेटा कहा है। तुम बेटे के लफ्ज पर चौंक क्यों गए? जी कुछ नहीं, शायद तुम्हें अपनी माँ याद आ गई हो। मेरी माँ? शबनम बेटी, लड़का किसी अच्छे घर का मालूम होता है। मुंशी जी, देखा आपने? कुछ नहीं देखता मुझे। अरे मुझे देखते ही भाग गया, अगर कुछ देर और ठहरता तो मैं उसकी। बस बस रहने दीजिए, घर में शेर बनने की जरूरत नहीं। जंगल में तो शेर का नाम सुनते ही कांपते लगे थे। बेगम साहिबा, सन 18 में जब मैं जंगल में मंगल सिंह से मिल। मुंशी जी। अच्छा है। आपका सन 18 इसको बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा दादा, तुम ही कर हमारा इंतजार ही करो, और नौदीन बेटा का जो चिट्ठी है ना वो हमको दे दो, हम डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। अच्छा निजाम भाई। ये लो भाई। हाँ ठीक है। अच्छा अभी तुम इधर से जाना नहीं, मैं जाता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे बगैर मैं चाह भी कहाँ सकता हूँ। क्या बोलेगा क्या बोलेगा। कितने जालिम लोग हैं, अंधों से मजाक करने से बाज नहीं आते। खुदा उसका भला करे बेटा, और तुम्हें भी खुश रखे। अगर तुम भी अंधे से मजाक कर लेते तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था। ऐसा ना कहिए। चले गए बेटा। मेरा बटवा, अंधे पर इतना जुल्म ना करो बेटा, मेरा बटवा मुझे वापस कर दो। अख्तर बेटा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? घबराओ नहीं अब्बा, आज का शिकार अंधा था। शाबाश बेटा, अत्या का शोहर तो ये अंधा हो चुका है। अख्तर बेटे, हमारी तकदीर जाग उठी। वो कैसे अब्बा? पहले बताओ ये अंधा कहाँ है। चलिए मेरे साथ। डॉक्टर तो छुट्टी पर गया है, एक हफ्ता का बाद आएगा। अब अगर एक महीने बाद भी आए तो क्या फायदा निजाम भाई, यहाँ अपनी ही छुट्टी हो गई। अरे क्या बोलता है? किसी जालिम ने मेरी जेब काट ली। जेब काट लिया? हाँ। दूध, अरे अभी तो इधर रहने का ठिकाना भी नहीं है, और नौदीन बेटा के पास जाने का पैसा भी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला भाई? तुम कौन हो भैया? अपना हमदर्दी समझो। हमसे हमदर्दी करके क्या पाओगे भैया, हम तो बहुत गरीब हैं। अमीरों से हमदर्दी तो सभी करते हैं, गरीबों का दुख सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है। आओ मेरे साथ। नहीं 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 भैया। इनकार न करो, हो सकता है तुम्हारी हमदर्दी करने में मेरे नसीब जाग उठे। आओ मेरे साथ, चलो आओ। आओ क्या बोलेगा क्या बोलेगा। निजाम भाई ये लो रुपए, और तुम अभी नदीम के पास चले जाओ। नहीं नहीं भैया, तुम रुपए पैसों की तकलीफ ना करो। ये क्यों नहीं समझते कि ये तुम्हारा अपना रुपया है। लो निजाम भाई। अच्छा तो फिर तुम्हें एक शर्त मानना पड़ेगी। कैसी शर्त? जब निजाम भाई लौट आए तो तुम्हें ये पैसे वापस लेना पड़ेंगे, तो हमारा जान भी हाजिर रहेगी। अच्छा, हमने अपने भाई को तुम्हारे पास छोड़ दिया, जरा ख्याल रखना। बेगर मत करो। क्या बोलेंगे भैया, तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ता हो। काश मेरी आंखें होती तो मैं अपने मोहसिन की शक्ल तो देख सकता। अख्तर बेटे, ये है उस औरत की तस्वीर।
20 बरस पहले मैंने तुम्हारे बड़े भाई कवि को जिसका बेटा बनाकर उसके घर भेजा था, मगर वो नालायक बाप के बताए हुए रास्ते पे चलने के बजाय इस औरत को अपनी माँ समझ बैठा, अपनी सचमुच की माँ। अब किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है, तुम इस औरत के पास जाओ, तुम्हारे पास अपने शौहर और बच्चे की तस्वीर देखकर वो यही समझेगी कि इसके कोई हुए बेटे नदीम तुम ही हो। लेकिन ये अंधा, इस संते की फिक्र मत करो, तुम्हारे वहां जाने से पहले ही मैं संते को टिकाने लगा दूंगा। आज पहली बार तुझे वसूली के लिए बाहर भेज रही हूँ। जी डरता है बेटे? अरे आप फिक्र न करें मम्मी, मैं किराए की पाई पाई वसूल करके आऊंगा, और अगर किसी किराएदार ने किराया देने से इनकार कर दिया तो उसे बंदूक मार दूंगा। नहीं बेटे, जो काम भी प्यार से निकल आए वही अच्छा होता है। अरे मम्मी, आप इन किराएदारों की नफ्सियात से वाकिफ नहीं है। अगर इनसे प्यार से काम लिया जाए तो ये किराए के मकान को खाला जी का घर समझने लगते हैं। मगर कभी अगर मगर कुछ नहीं मम्मी, मम्मी वो अंकल आ जाए तो उनसे कहिएगा मैं शादी के मामले में और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। खुदा हाफिज मम्मी। खुदा हाफिज बेटे। कैमने हो बेबी ये गो अमर दाई मा गो अमर दाई मा गो। सामान गाड़ी में रखवा दिया? जी हाँ, सामान तो रखवा लिया है सर, मैं ही बाहर हूँ। अगर आप हुक्म करें तो ये ड्राइवर मुझे भी अंदर। मुंशी जी। चलो ड्राइवर। छोटे साहब, आप बड़े बदमाश हो गए हैं, बुजुर्गों को क्यों मारते हैं? अमर दाई मा गो। छोटे बाबू, ये पेटी। वाह छोटे बाबू, तुम्हारी सारी आदतें मेरे मरहूम बाप पर गई। सन 18 में जब मेरा बाप दरियाई घोड़ों का शिकार खेलने जाया करता था तो ये पटाखों की पेटी अक्सर मेरी माँ के पास भूल जाया करता था। मैंने कहा जरा सुनिए। मोहतरम, माफ कीजिए, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो क्या आप वही है ना जो सन 18 में मेरे बाप के साथ शतरंज खेलने आया करते थे? आपको धोखा हुआ है? मुझे धोखा हुआ है? आप क्या कह रहे हैं साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर नामी है। अजीता शबनम से कहिए कि जरा हमसे मिल ले। आप बसरे से तशरीफ लाए हैं? माफ कीजिए, ये उम्र आपके लड़कियों के साथ मिलने की नहीं है। लाहौल वाला हुआ बेटा, बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं किया करते। जाओ जल्दी से अजीजा शबनम को भेजो। अस्सलाम वालेकुम। अब तो मेरी शादी की बात पक्की हो चुकी है प्रोफेसर। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या जिंदगी भर कुंवारी रहिएगा? क्या तुम मुझे जलाने आए हो? नहीं, उसका नाम पूछने, जिसके प्यार की आग में आप दिन रात जल रही है। उसकी बात प्रोफेसर, आप नहीं जानती वो आपसे मिलने के लिए कितना बेताब है। मुझसे मिलने के लिए? जरा आंखें बंद कीजिए। इससे क्या होगा? वो इसी वक्त आपके सामने होगा प्रोफेसर। मान जाइए, वरना जिंदगी भर आप उसकी सूरत को तरसती रहेंगी। बंद कीजिए आंखें। कीजिए कीजिए प्रोफेसर। तुम मुझे चक्कर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब खुली आंखें। नदीम। शबनम, तुम्हारे करीब रहने का यही एक बहाना था। अब मुझे भूल जाओ नदीम। क्या तुम मुझे भूल सकोगी? तुम मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझते? लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं कहती हूँ तुम यहां से चले जाओ नदीम, तुम यहां से चले जाओ। सच्ची बात, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चला जाता हूं। कमीने नदीम, पहले रोज तुम्हारी सूरत देखकर मैं समझी थी तुम किसी शरीफ मां के बेटे हो। किसी और का हाथ होता तो मैं उसे तोड़ देता, लेकिन आपकी आंखों में मुझे मां की सूरत नजर आई थी। मां की सूरत देखी होती तो एक घंटे इधर पर हाथ डाल
आते। तुमने मेरी हमदर्दी का गलत मतलब लिया है। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। ये आपके कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा रहा हूँ। अशफाक भाई, डॉक्टर अंसारी छुट्टी से आ गया है। अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त निकला, मैंने जब उसे तुम्हारे हालात सुनाए तो कहने लगा उन्हें अभी ले आओ, मैं उनकी आंखों का मुआयना कर लेता हूँ। लेकिन भैया जब तक निजाम भाई ना लाए, उनके आने तक आंखों का मुआयना तो करा ले, इलाज बाद में होता रहेगा। आओ चल, तुम्हारी मर्जी। चलो सब कुछ क्यों पूछ रही? इसलिए कि मैं तुम्हारी बदनसीब माँ। नहीं नहीं, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा की गलत फहमी की मैं काफी सजा भुगत चुकी हूँ। तुम्हारी तो मैं माँ हूँ, तुम तो ऐसी बातें नहीं करो। मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें भेजकर तो खुदा ने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दिया है। चलो नदीम, मुझे अपने अब्बा के पास ले चलो। अब्बा तुम्हें कहाँ है? तुम्हारे अब्बा तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अब्बा अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो चुके। अल्लाह को प्यारे हो चुके? ओह मेरे खुदा, ये क्या किया तुमने? इनसे पहले मेरी जान क्यों ना लेने? मुझे क्यों जिंदा रखा? उनकी जगह मैं क्यों ना मर गई? मैं बेटा, न रोना, अब ये आंसू अब्बा को वापस नहीं ला सकते। नदीम बेटे, आप बड़ी खुश है, खुदा ना खास्ता कहीं मेरी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अरे नहीं मुंशी जी, आज मुझे मेरा असली बेटा मिल गया है। असली बेटा? हाँ। तो क्या वो छोटे बाबू? वो भी बेटा ही है, लेकिन मेरा नदीम बचपन ही में मुझसे बिछड़ गया था। अब वो 20 बरस के बाद घर वापस आ रहा है। बेगम साहिबा, सन 18 में मैं भी बिल्कुल इसी तरह अपने माँ बाप से बिछड़ कर बाजीगरों के हाथे चढ़ गया था। जब मेरा बाप मुझे बाजीगरों के रस्से से नीचे उतार कर लाया तो उनके चेहरे पर भी खुशी की ऐसी ही लहर दौड़ गई। मुंशी जी, अब अपने बाप का जिक्र बंद कीजिए। बेगम साहिबा, खुशी और गम के दो ही तो मौके हैं, जब मैं उन बुजुर्गों का नाम सबर के तौर पर याद कर लिया करता हूँ। मैं कहती हूँ आप जाइए, तार देकर मुनीर भाई को बुला लीजिए, मुझे कुछ अहम फैसले करना है।
मुनीर भाई को। अरे शबनम बेटी, बेटी तेरी आंखों में आंसू। जी मैं समझ गई, तू यही कहना चाहती है ना कि तू कभी से शादी नहीं करेगी। आंटी हाँ बेटी, तू जो चाहेगी वही होगा। सच सच आंटी? हाँ बेटी। अरे सुनो तो, कहाँ चली? पगली। अच्छा आप चलिए, अगर हो सके तो खत पढ़ लीजिएगा। वो तो पढ़ ही लूंगी। अच्छा ये बताओ, इतने नाराज क्यों हो? मैं आपसे नाराज होकर क्या कर लूं, खून तो मेरी थी, जो प्यार करते हुए ये भी ना सोच सका कि गरीब आदमी को प्यार करने का कोई हक नहीं। तो अमीर बन जाओ ना। जब अमीर घर में मौजूद हो तो फिर किसी के अमीर बनने का इंतजार कौन करता है। बहरहाल मैं आज ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम नहीं जाओगे। अब रहकर भी क्या करूंगा। अब ज्यादा बातें न करो, आंटी ने कह दिया है अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। शबनम। हाँ नदीम, अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। शबनम बन जाऊंगा, प्यार बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने सांसों में मुझको बसा लीजिए। हाँ, याद बन जाऊंगी, याद बन जाऊंगी, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने दिल से ना मुझको भुला दीजिए। प्यार बन जाऊंगा, प्यार बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने सांसों में मुझको बसा लीजिए। बादल ये महकी हवाएं, बात कोई दिल की न हमसे छुपाए है। झुके झुके बादल ये महकी हवाएं, बात कोई दिल की न हमसे छुपाए। नींद बन जाऊंगा, हाँ नींद बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपनी आंखों में मुझको छुपा लीजिए। नींद बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपनी आंखों में मुझको छुपा लीजिए। याद बन जाऊंगी, याद बन जाऊंगी, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने दिल से ना मुझको भुला दीजिए। हटा दो
हो सतला तो जाम बन जाऊंगी, जाम बन जाऊंगी। शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने होठों से मुझको लगा लीजिए। प्यार बनने जाऊंगा, प्यार बनने जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने सांसों में मुझको बसा लीजिए। याद बनने जाऊंगी, याद बनने जाऊंगी, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने दिल से ना मुझको भुला दीजिए। बेगम साहबा, मैं आपके इस इंसानी जज्बे की तारीफ करता हूँ कि आपने जायदाद में कभी को देखकर उसकी हक तलफी नहीं की। हाँ, उठाया तो सर याद आया, वकील साहब सन 18 में। ओह माफ करना बेगम साहबा, दरअसल मुझे अपनी खानदानी जायदाद का बंटवारा याद आ गया था। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने बेटे नदीम और शबनम की शादी का फैसला भी कर दिया है। लेकिन बेगम साहबा, मंगनी तो आपने। मुंशी जी, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझती हूँ। शायद कभी भी यही समझे कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन अगर शबनम उसे पसंद करती तो मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं था। क्यों मुनीर भाई, आपको तो इस फैसले पर कोई एतराज नहीं? एतराज? मैं तो बचपन से शबनम को आपकी बेटी बना चुका हूँ, मेरे एतराज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शबनम बेटी, तुमने बाजी का फैसला सुन लिया? हाँ जय जी, लेकिन एक बात पूछो। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या आप भी मुझे खिलौना समझते हैं? खिलौना? हाँ जय जी, जिस लड़की के सामने एक को मंगेतर बनाकर लाया जाए और दूसरे से उसकी शादी तय कर दी जाए, वो खिलौना नहीं तो और क्या है? शबनम बताइए जय जी, बेटे मिल जाने की खुशी में आप लोग बेटियों के दुख क्यों भूल जाते हैं? शबनम, इस खानदान में लड़की की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, लेकिन शादी के मामले में से बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक मुद्दत के बाद बाजी को खुशी मिली थी और तुम इनकार करके उनका दिल तोड़ना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह शादी वही होगी जहाँ बाजी चाहती है। आपकी तारीफ है? यानी इस घर के मालकों ही से उनकी तारीफ? क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि हम इस घर के चश्म और चिराग मिस्टर कवि हैं? मिस्टर कवि? क्यों, तुम मेरा नाम सुनकर चौंक क्यों गए? क्या तुम मुझे जानते हो? आप ही को नहीं, बल्कि हम वो सब कुछ जानते हैं जो इस घर में रहते रहते तुम भूल चुके हो। मैं कहता हूँ कौन हो तुम? छोटे बाबू, ये बेगम साहबा के असली बेटे। असली बेटे? हाँ छोटे बाबू, अब ये इस घर के और बेगम साहबा की जायदाद के मालिक हैं, और बेगम साहबा ने शबनम बीवी की शादी भी नहीं तय कर दी है। हमें अफसोस है कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन प्यारे फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी माँ तुम्हें बेटा कहती रही है, इसलिए इस रिश्ते से हम तुम्हें अपना भाई समझेंगे और इजाजत देंगे कि जिस तरह तुम पहले इस घर में पलते रहे हो उसी तरह पलते रहो। बदनसीबी जहां ले जाए। ठहरो कवि, मुझे न रोकिए, मैं वो झूठ हूं जो कभी सच की जगह नहीं ले सकता। ये आपकी मोहब्बत थी जिसने मुझे इस घर को अपना घर और किसी दूसरे की ममता को अपना हक समझने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मुझे एक दिन यहां से जाना। मुबारक, आपको आपका असली बेटा मिल गया, अब इस घर को मेरी कोई जरूरत नहीं। शायद इतना ही सुना है कि मैंने जायदाद का वारिस नदीम को बना दिया है। अरे पगले, मुझसे तो पूछ लिया होता, इस जायदाद में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। आप ठीक कहती हैं,
जायदाद का लालच एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग रिश्तों का खून भी कर देते हैं, लेकिन मैं जायदाद का भूखा नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए। रुपया, पैसा, बंगला, कार्य, क्या ये सब कुछ मेरी उस गुर्बत को दूर कर सकता है जो एक माँ का रिश्ता छीन जाने के बाद मेरा मुकद्दर बन चुकी है? अगर आपकी दीनी दौलत इस कमी को पूरा कर सकती है तो जाइए, ये दौलत किसी और को दे दीजिए और मुझे अपने जैसे एक माँ ला दीजिए। तो माँ, इसे मैं दुख में पुकारूं तो मुझे बेटा कहकर आवाज दे। मैं तुझे बेटा कहती हूँ? नहीं नहीं, मैं आपका बेटा नहीं, आपका बेटा नदीम है, आप मेरी माँ नहीं। मेरा कोई नहीं, इतना अच्छा था एक जानवर के घर में रहे, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तू तो फिर इंसान है और फिर मैंने तुझे हमेशा बेटा ही समझा है। निकम्मा कहीं का घर छोड़कर चला था। मदन निजाम चाचा, यहाँ तो ताला पड़ा हुआ। क्या बोलेगा नदीम बेटा, हमारा तो खुद माथा घुर गया, थोड़ा मुश्किल है। इधर आओ, इधर आओ। देखो एक तो आदमी इधर रहता था, किधर गया? पहले रहता था, अब चला गया। चला गया? बोल दिन बेटा, अभी क्या बोलेगा बोलो। चलो दूसरे जगह घुटता है बाबा, देखना ही होगा। निजाम चाचा, समझ में नहीं आता अब्बा को ढूंढने कहाँ जाए। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? रुकी बेटा, क्या हुआ निजाम चाचा? ये जो आदमी किया है ना, इसके पास हम तुम्हारा अब्बा को छोड़ा था। अतिया की जायदाद के कागजात अपने नाम मुंतकिल हो जाने से ये मत समझो कि तुम उसकी जायदाद के वारिस बन चुके हो। अब्बा, जब वो यकीन कर चुकी है कि मैं ही उसका खोया हुआ बेटा। नहीं लगता, जब तक वो जिंदा है न तुम उसकी गलतफहमी को यकीन कह सकते हो और न मैं ही मौत के पर्दे से बाहर आ सकता हूं। ये लो, आज ही रात उस बुढ़िया का खात्मा कर दो। बेटे को बेनकाब करने, जो दिन के उजाले में तुम्हें माँ कहता है और रात के अंधेरे में तुम्हारी जान लेने आया था। क्या बकते हो? हकीकत कभी कभी इसी तरह सामने आती है कि दिल उसे मानने से इनकार कर देता है। क्या हुआ माँ? यही है वो जो अपने मकसद में नाकाम होकर एक बार फिर तुम्हारी ममता को फरेब देने आ रहा है। तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। इसे बेटा ना कहो, अपने बाप के साथ मिलकर तुम्हारे कत्ल की साजिश करने वाला तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। बाप से मिलकर मेरे कत्ल की साजिश? हाँ, इससे पूछो कि इसका बाप कौन है। मेरा बाप? तुमने मेरे बाप का पूछा है तो इस तस्वीर की तरफ देखो। अब्बा जान, अब्बा जान, माँ, तो इसका मतलब है तुम्हारी संगली का निशाना बनने वाली
मेरी अपनी ही माँ थी। चुप हो जाता आबास। अरे इस घर की दौलत देखकर तुम्हारी आंखें क्यों फट गई? मुझे दौलत की नहीं, तुम्हारी तलाश थी माँ। और जब मिली गई हो तो मुझे अपना बेटा कहने से इनकार ना करो, मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। बहरूप चाहे कितनी खूबसूरती से भरा जाए मगर झूठ को हकीकत नहीं बदल सकता। मेरी माँ को कत्ल करने तुम खुद आए और अब बेटा बनकर अपने उस जुर्म को छुपाना चाहते हो। बताओ वो तुम्हारा साथी कहाँ है जो भाग गया? बताओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं। अगर तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता तो अपनी आंखों पर एतबार करो माँ। इस खून को पहचानो, ये वही खून है जो तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है। बकवास बंद करो, निकल जाओ। खानदान का सर झुकाने से पहले तुम मर क्यों न गई? को ये शुभ तो नहीं हुआ कि उसका असली बेटा वो है? अपने बाप की तस्वीर देखकर उसने शोर तो बहुत मचाया था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं जन्म से मोहब्बत भी करता है। हाँ बा, ये राज किसी वक्त भी खुल सकता है। घबराओ नहीं, मेरा नाम भी जमीर है। जितनी जल्दी हो सके तुम शबनम से शादी का चक्कर चलाओ। ये तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं। क्या कहना चाहती है? मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दे। खुदा के लिए ऐसा ना कहो। देख, ये शादी होगी तो नदीम ये समझेगा। लड़कियां गरीबों से प्यार तो कर लेती है, शादी हमेशा दौलत वालों ही से करती है। मैं तो दुख को समझती हूँ, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। ये क्या? मरने वालों के लिए फूलों की चादर ला दी, सोने की लॉकेट दी। आइए आइए। मैं बहन, ये रही मेरी बहन। माशाल्लाह बहन, चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। मौलवी साहब क्या सोच रहे हैं, जल्दी से निकाह पढ़ाइए। तब 18 में जब मेरे बाप की शादी हुई थी मुझे बिल्कुल याद है, इतनी देर वहां भी नहीं लगी। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अरे काई साहब, तुम? हाँ मैं तुमसे पूछने आया हूँ मेरा बाप कहाँ है। मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। तुम जानते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम फिर आ गए? आखिर इस घर के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें माँ कहने नहीं, अपने बाप का पता पूछने आया हूँ। तुम लोग देखते क्या हो? धक्के देकर इसे बाहर निकाल दो। आज तुम मेरा खून भी कर दो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भी बचरी कर दो। ले जाओ यहाँ, छोड़ दो मुझे। ले जाओ, छोड़ो, ले जाओ। रुक जाओ जानो, रुक जाओ। अब इतना तीन बेटा लादान और
अपने ही घर में अपने बेटे के पिटने का तमाशा देख रही हो? इसे पहचानने की कोशिश करो अतिया, ये तुम्हारा ही खून है। मां बेटा चोरों की तरह कहां भाग रहे हो? अब भी कह दो कि ये तुम्हारी मां का घर है और ये तुम्हारे बाप है। इसे कुछ कहने से पहले सोच लो कि इसका बाप अभी जिंदा है। समीर, तुम जिंदा हो तो क्या तुम्हारी खुदकुशी एक ढोंग थी? ज्यादा बातों का वक्त नहीं है किया, मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। ये अब इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकता। तो फिर अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। तुमने मुझे मेरी बेगुनाह बीवी से बदगुमान किया, मगर हालात ने तुम्हारा पोल खोल दिया। तुम मेरे अंधेपन से फायदा उठाकर मुझे मौत के अंधेरों में फेंका और मैं वहां से आंखों की रोशनी लेकर लौट आया। अब तुमने मेरे बेटे की जान लेना चाही और तुम्हारा अपना ही बेटा गोली का निशाना बन गया। तुमने मेरे ख्वाबों की बर्बादी तो देख ली इश्फाक, अब अपने घर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस घर को तबाह करना चाहते हो तो पहल मुझसे करो। जमीन हट जाओ मां, जब तक तुम्हारे बेटे की रगों में खून बाकी है तुम्हारा खून कोई नहीं बहा सकता। चला बोली कवि, ये तुमने क्या किया? अगर मैं ये ना करता मां, तो दुनिया ये समझती कि बेटा सिर्फ वही होता जिसे माँ की कुंभ जन्म देती और जिसे माँ जबान से बेटा कहते वो बेटा बेटा नहीं होता। लेकिन ये तेरा बाप था कभी। ये मेरा बाप था जिसने बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते के मुंह पर अपने ही बेटे का खून मल दिया। ये बाप था जिसने तुम्हारी दौलत पे नाजायज कब्जा करने के लिए मुझे तुम्हारा बेटा बनाकर इस घर में भेजा। इसे बाप न कहो, ये दौलत की अंधी अब इसका बदतरीन अंजाम है। अगर बाप ऐसे ही होते तो मैं यतीमी को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूं। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इसका कोई कसूर नहीं, इसने गोली हमें बचाने के लिए चलाई थी। इसका फैसला करना अदालत का काम है, हम कानून के हाथों मजबूर हैं। तुम ये लाश अपने कब्जे में ले लो। तुम फिक्र न करना, कानून तुम्हें बेगुनाह समझकर एक दिन माफ कर देगा। तुम इसी घर में वापस आओ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, जज्बाती रिश्तों की ये बातें तो कभी खत्म ना हो। हम 18 में मुंशी जी, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। रविंद्र का क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? प्यार बनने जाऊंगा, प्यार बनने जाऊंगा, शर्त ये है मगर, शर्त ये है मगर, अपने सांसों में मुझको बसा लीजिए।